मुस्लिम गरीब कचरे वाली के घर आया अमीर का रिश्ता। सकीना नाम की एक गरीब औरत अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कूड़े कचरे को बीनती थी और कूड़े कचरे के ढेर के पास ही रहती थी, जहां एक बड़ा सा पाइप था। वहां वह अपने 10 साल के बेटे फरीद और शादी लायक बेटी हानिया के साथ रहती थी। क्या सकीना अपने बच्चों के लिए इसी तरह संघर्ष करती रहेगी या उसे सफलता भी प्राप्त होगी, ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सुबह का समय था, अजान हो रही थी कि दोनों माँ बेटी और बेटा हाथ जोड़कर खुदा को याद करते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। या अल्लाह, खामोश फरीद, पता है ना अभी अजान हो रही है, थोड़ा सब्र रखो, खुदा को याद करते वक्त किसी और चीज को याद मत किया करो। माफ कर दीजिए अम्मी जान। नमाज के पोस्चर में वह बैठकर नमाज अदा करने लगता है। तत्पश्चात हानिया अपना हिजाब उतार कर कहती है, अम्मी जान, फरीद को बहुत भूख लग रही है, रात को विश ने ठीक से कुछ खाया नहीं, मैं भी आपके साथ आज कचरा बीनने चलूंगी। नहीं बेटा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तेरी माँ है ना, मैं अकेले कर लूंगी, तू अपने छोटे भाई का ख्याल रख। फरीद, तू कहीं मत जाना, ठीक है, मैं माँ के साथ अभी आती हूँ। ठीक है बाजी। ओ बाजी के बच्चे, तू यहीं अपनी बहन के साथ रहेगा। हानिया, तुझे समझ नहीं आता कि मैं तुझे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, मैं नहीं चाहती दुनिया वालों की नजर तुझ पर पड़े या तेरे साथ कुछ गलत हो, बाहर आदमियों की नजर चील जैसे गड़ी होती है सुंदर लड़कियों पर। अच्छा ठीक है अम्मी जान, मैंने आपकी बात पर गौर फरमा लिया। इतना कहकर सकीना कचरे का बोरा लेकर सड़क के किनारे जाकर कचरा इकट्ठा करने लगती है। वहीं दूसरी ओर हानिया अपने भाई से कहती है, भाई तुझे मेरी कसम, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, हिलेगा भी नहीं। मैं जानती हूँ अम्मी मेरी क्यों फिक्र कर रही हैं, लेकिन मुझे भी तो अपनी बेटी होने का फर्ज निभाना होगा ना। अम्मी कब तक हमारे लिए अकेले धूप में कचरा बीनती फिरेंगी, मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी। ठीक है बाजी। ऐसा कहकर हानिया अपने मुंह को दुपट्टे से एक हिजाब की तरह बांध लेती है और कचरा बीनने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ तो जगह जगह साफ है, थोड़े आगे नाले और पतले रोडों की तरफ जाती हूँ क्योंकि वहाँ कचरा ज्यादा होता है, ज्यादा कचरा मिलेगा तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, फिर मेरा भाई अपनी मनपसंद चीज भी खा पाएगा। कब से मुझसे कह रहा है मुझे आइसक्रीम खिला दो, अम्मी तो खिलाएंगी नहीं, मैं ही उसे चुपके से खिला देती हूँ। ये कहकर हानिया जाकर कचरा इकट्ठा करती है, जहाँ उसे कुछ रद्दियाँ, प्लास्टिक की बोतल, गत्ते मिलते हैं। काफी कूड़ा कचरा इकट्ठा कर लिया है मैंने, यहाँ पर तो प्लास्टिक की बोतल है, चलो अच्छा है, ज्यादा वजन होगा तो ज्यादा पैसे भी आ जाएंगे। अम्मी मुझे माफ करना, आपकी बात को काटकर मैं फरीद को छोड़कर यहाँ आ गई। ऐसा कहकर वह जाती तो है, उसका सूट एक कार में फंस जाता है, तभी रुककर वो कहती है, अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस, मेरा तो सूट ही अटक गया इसमें। ये कहकर वो अपना सूट का कपड़ा निकालती ही है कि कार में बैठा एक हैंडसम लड़का सलमान उसकी आंखों को देखकर एक टक नजरों से देखता ही रहता है। माशाल्लाह, ये निगाहें तो मुझे अपने वश में कर रही हैं। सलमान इतना कहता ही है कि हानिया वहां से चली जाती है, पर कचरा बेचकर कुछ पैसे अपनी माँ की गुल्लक में रख देती है और अपने भाई फरीद को आइसक्रीम खिलाती है। वहीं सकीना धूप में नंगे पांव कचरा इकट्ठा कर लेती है और कचरे वाले को कचरा बेचकर कहती है, भाई जान, ये वाला कचरा मिलाकर लगभग कितना वजन हो गया, 50 रुपए तो मिल जाएंगे ना इसके खाने के लिए। बाजी 50 नहीं, पूरे 150 रुपए हो गए हैं, लगता है आज आपने काफी मेहनत करी है, ये तो आपकी शक्ल देखकर ही पता चल रहा है, कितना काम करती हो फिर भी अभी तक नंगे पांव घूम रही हो, चप्पल क्यों नहीं खरीद लेती। अरे भाई जान, अपने लिए सोचने का फुर्सत कहाँ है, एक गरीब माँ को, मैं तो अपने बच्चों के लिए जीती हूँ, सानिया की शादी करनी है और फरीद का स्कूल का खर्चा देना है। समझ सकता हूँ बाजी आपकी तकलीफ। भाई जान, आपने हमदर्दी जताई, मुझे अच्छा लगा, अब मैं चलती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाजी। पैसे ज्यादा होने से सकीना खुश हो जाती है और अपने बच्चों के लिए खाने का सामान और राशन ले जाती है। अपने पाइप जैसे घर में पहुंचकर वह खाने का सामान रखती है, फिर चूल्हे पर अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है जिसमें हानिया भी उसकी मदद करती है, फिर सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अम्मी, आज तो आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, सच में मजा आ गया।
आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है और आपके पैरों में छाले पड़ गए हैं, इसलिए मैं आपके लिए ये चप्पल लेकर आई हूँ। मुझे माफ करना, हमने चप्पल लेने के लिए मुझे बाहर जाना ही पड़ा। तुझे मना किया था फिर भी तू मानी नहीं, क्या जरूरत थी ये लाने की? नहीं भी लाती तो मैं ठीक ही रहती। पता था आप मुझे यही बोलोगे, आप मेरी कभी सुनती ही नहीं है अम्मी, इसलिए मजबूरन मुझे ये लाना पड़ा। हानिया की ये बात सुनकर वह दोनों बच्चे को गले लगा लेती है। वक्त ऐसे ही गुजरता है। सकीना अपने बच्चों के लिए सुबह से शाम तक कचरा बीन कर घर लौटती है, तो वहीं हानिया भी छुप छुप कर कचरा बीन कर घर के लिए पैसे जमा करती है। एक दिन कचरा बीनते समय सलमान की नजर हानिया पर पड़ती है और वो कहता है, अरे ये तो वही लड़की है जिसे मैंने उस दिन देखा था, वही आंखें, मैं धोखा नहीं खा सकता, ये वही लड़की है, मेरा दिल कहता है। तब इतनी जोर की हवा चलती कि उसका हिजाब उतर जाता है, वह बेनकाब हो जाती है। सलमान उसके चेहरे का नूर देखकर कहता है, या अल्लाह मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, इतना खूबसूरत चेहरा, इतनी खूबसूरत लड़की, कचरा बीनने वाली कैसे हो सकती है? इसे देखकर तो मेरे दिल में गाना बज रहा है, आंखें तेरी कितनी हसीन कि इनका आशिक मैं बन गया हूँ, मुझको बसा ले तू। मौला मेरे। या अल्लाह आंधी चल रही है, मुझे घर की ओर रुखसत करनी ही होगी। ये कहकर हानिया जल्दी से हिजाब बांध कर घर की ओर जाती है, जहां सलमान उसका गाड़ी से पीछा करते हुए उसका घर भी देख लेता है, जहां मुझ पर ठीक से रहने की जगह भी नहीं थी, जहां उसकी अम्मी रोज कचरा बीनती हैं, वही सलमान भी रोज का पीछा करके उसे देखता है। हानिया उसके दिल में बस चुकी थी, एक बार हानिया से वो टकरा भी जाता है, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती है। रात को वह सोने के लिए भी अपनी आंखें बंद करता है तो उसे हानिया का पूरा चेहरा नजर आता है और वह अपनी अम्मी नूर जहां से कहता है, अम्मी मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उसे रोज देखता हूँ, वो मेरे दिल और दिमाग में बस चुकी है, उसके बिना अब मैं और नहीं रह सकता, आप मेरा रिश्ता उसके घर लेकर चलिए ना। अच्छा वो खूबसूरत लड़की है कौन जिसने मेरे बेटे को फंसा लिया? अम्मी जान मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता, इस लड़की को मैंने कचरा बीनते हुए देखा है अक्सर। क्या कचरा बीनते हुए? तू एक कचरा बीनने वाली लड़की से शादी करेगा, वो मेरे घर की बहू बनेगी? अम्मी प्लीज मना मत कीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, एक बार आप भी उसको देखेंगे तो आप भूल जाएंगे कि वो कचरा बीनती है, वो बहुत खूबसूरत है अम्मी, प्लीज अम्मी मना मत कीजिए। अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर वह उस गरीब कचरे वाली के घर रिश्ता ले जाने के लिए तैयार हो जाती है और अगले ही दिन कई तोहफे जेवरात लेकर वहाँ पहुँच जाती है। सकीना उसे देखकर कहती है, आप कौन हैं? कहीं आप हमें यहाँ से भी तो नहीं हटा देंगे, हम गरीब पर दया कीजिए। अरे चिंता मत कीजिए, मैं तो अपने बेटे का रिश्ता आपके घर लेकर आई हूँ, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, जैसा सलमान ने बताया था आपकी बेटी का नूर उतना ही है। सलमान ये वही है ना? हाँ अम्मी ये वही है। क्या मुझे भी गरीब बेटी का रिश्ता आपके बेटे के साथ? आप तो बहुत अमीर लग रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा, पर मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद है, आपको तकल्लुफ ना हो तो मैं इस रिश्ते को हाँ समझू। हानिया बेटा तुझे ये रिश्ता कबूल है? हाँ मी जान मुझे ये रिश्ता कबूल है। ऐसा कहकर नूर जहाँ अपनी समधन का मुंह मीठा करती है। दिन बाद भी सलमान की हानिया से बहुत धूमधाम के साथ शादी होती है, जहाँ गरीब कचरे वाली माँ अपने इकट्ठे किए हुए पैसों से बेटी का लहंगा जेवरात और लोगों के खाने का इंतजाम करती है। अपनी बेटी को रुखसत करते समय वह गले लगती है। अम्मी इतनी गरीबी में भी आपने मेरा इतने बेहतरीन तरीके से निकाह किया, उसके लिए शुक्रिया, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मुझे भी आएगी हानिया बेटा, ससुराल में अपना सबका ख्याल रखना, बाय बाजी। ये कहकर वह सलमान की गाड़ी में बैठकर ससुराल के लिए चली जाती है। इस तरह गरीब कचरे वाली की शादी अमीर घर में हो जाती है और वह उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अरे मेरा बेटा विदेश में रहता है, विदेश में, और पता है विदेश में वह कितना कमाता है? तुम बताओ बहन कितना कमाता है तुम्हारा बेटा?
इतना कमाता है कि जितना तुम पूरे साल भर में कमाते हो, और उसकी शादी मैं ऐसी लड़की से करूंगी कि पूरा गांव देखता ही रह जाएगा। तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के लायक ही नहीं है। अरे लता बहन, इतनी लंबी लंबी क्यों हांक रही हो? अरे वो तो वक्त बताएगा ना कि तुम्हारा बेटा कैसी लड़की से शादी करेगा और कितना कमा कर उसे खिला पाएगा। अरे पूरा मोहल्ला जानता है कि तुम्हारा बेटा कितना निकम्मा है। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से हो। दुर्गेश्वरी इतना कहती ही है कि तभी मिथुन हाथ में बैग लिए एक अंग्रेजन के साथ चला आ रहा होता है। अरे देखो जरा मिथुन आ गया। देखो बहन, तुम्हारा लाडला सुपुत्र किसी अंग्रेजन छोटे कपड़े पहने लड़की के साथ आ रहा है। हे भगवान, इसका तो चरित्र ही खराब है, चरित्रहीन है बेचारा। देखो अब तुम सबका कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तुम जाओ, यहाँ से चली जाओ, मैं अपने बेटे से मिल लूँ। कितने सालों बाद आया है मेरा बेटा। मिथुन जैसे ही अपनी माँ को देखता है, वो उसके पैर छूता है, जिसके बाद उसकी माँ उससे कहती है, अरे मेरा बेटा, कितने सालों बाद मैं तुझे देख रही हूँ। तू विदेश गया था तो कुछ महीने तक तो तूने मुझे पैसे भिजवा दिए थे, लेकिन इतने सालों से तूने मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं भिजवाई। क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं आई अपनी माँ के लिए? अरे माँ, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं बहुत बुरा फंस गया था। ये सारी बातें मैं तुम्हें घर पहुँच कर बताऊंगा। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो, और ये औरतें क्या बुराइयां कर रही थी मेरे बारे में? तभी वहां गंगा आती है और मिथुन को देखकर हंसते हुए कहती है, यही कि मिथुन कितना लाचार, बेबस और कामचोर निकम्मा है। अरे गंगा की बच्ची, तू यहाँ देखो माँ, गंगा कितनी बड़ी हो गई है। मैं तो क्या, तू भी तो बड़ा हो गया है। और ये विलायती लड़की कहाँ से उठा कर ले आया? अरे हाँ चलो, मैं तुम्हें इससे मिलाता हूँ, ये मेरी पत्नी मैरी है। ये कैसा नाम है? मैंने मैगी तो सुना था, लेकिन मेरी नाम भी हो सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा। मैगी मेडी, कितना मिलता जुलता सा है। ये सुनते ही वहाँ खड़ी सारी औरतें और गंगा जोर जोर से खिलखिला पड़ती हैं। सही कहा पार्वती बहन, तुम्हारा बेटा तो सच में ऐसी बहू लेकर आया जो पूरे गांव में किसी की नहीं होगी। हाँ हाँ, पूरी विलायती बहू लेकर आया है। मैं विलायती हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मुझे हिंदी आता है। मैडी के ये कहने पर भी सभी औरतें उसे देखकर हंसने लगती हैं, जिसके बाद बेचारी मैडी को बहुत बुरा लगता है। मिथुन जी, चलो यहाँ से चलते हैं, इनको हमारी बात समझ नहीं आती है। मिथुन मैडी और अपनी माँ को लेकर अपने घर में आ जाता है, जिसके बाद पार्वती उससे 100 सवाल करने लगती है, जिसके चलते मिथुन अपनी पूरी कहानी बताता है। माँ, मैं विदेश चला तो गया था, लेकिन मुझे बाहर कोई नौकरी नहीं मिली। मुश्किल से एक नौकरी मिली थी, जिसके चलते मैं आपको पैसे भिजवाने लगा, लेकिन मैं गलती से कुछ गुंडों के हाथ पड़ गया। उनके लिए मुझे गलत काम करना पड़ा। वहां पर ये मैडी फंसी हुई थी, मैंने इसकी मदद की और किसी तरह हम दोनों इंडिया वापस आ गए। अरे बेटा, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, लेकिन चल कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जा। अब तू अपनी जिंदगी नए सिरे से इस गांव से शुरू कर। पार्वती की बात सुनने के बाद मिथुन अपने पहले की तरह जंगलों से लकड़ी काट कर उन लकड़ियों का फर्नीचर बनाकर बेचना शुरू कर देता है। एक दिन मैडी गर्मी में प्यास से मरी जा रही थी कि तभी वो मिथुन से कहती है, हमको बहुत प्यास लगता है, तुम हमारे लिए एक फ्रिज ले आओ, हम उसमें ठंडा पानी पिएगा। हाँ मेरी विलायती पत्नी, मैं तुम्हारे लिए कोहिनूर का हीरा ले आऊं। तुम फ्रिज की बात कर रही हो? मिथुन की बात सुनकर मैडी भी बहुत खुश होती है, लेकिन मिथुन मन ही मन सोचता है, हे भगवान, अब इस विलायती छोरी को मैं फ्रिज कहाँ से ला कर दूं? एक काम करता हूँ, आज जंगलों में से जाकर लकड़ियां तोड़कर लाऊंगा और उनसे एक अच्छा सा फ्रिज बनाऊंगा। मिथुन ऐसा सोचकर जंगलों में पहुंच जाता है, जहां उसे एक बहुत ही खूबसूरत पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत पेड़ है, एक काम करता हूँ, इसी को काट देता हूँ। मिथुन अपनी आरी लेकर पेड़ को काटने ही जा रहा था कि तभी पेड़ मिथुन से कहता है, मत काटो मुझे, मत काटो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे मुझे काट दोगे तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। पेड़ को बात करते हुए देख मिथुन अचंभित रह जाता है। अरे तुम बोल सकते हो, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि पेड़ भी कभी बात कर सकते हैं। मैं कोई मामूली पेड़ नहीं, बल्कि मेरे अंदर भी कृष्ण का वास है, इसलिए मैं एक जादुई पेड़ हूँ।
अगर तुम मुझे काट दोगे तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें मैं एक जादुई लकड़ी दूंगा जिससे तुम जो भी बनाओगे वो जादुई हो जाएगा। पेड़ की बात सुनकर मिथुन उसे न काटने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद पेड़ उसे एक जादुई लकड़ी देता है। मिथुन उस लकड़ी को अपने साथ घर ले आता है और उस लकड़ी से फ्रिज बना देता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी मैडी को बुलाता है। अरे मैडी, कहाँ हो तुम? देखो मैंने तुम्हारे लिए एक लकड़ी का फ्रिज बनाया है। मैडी मिथुन के बुलाने पर उसके पास जाती है और लकड़ी का फ्रिज देखकर कहती है, यह क्या बनाया है आपने? अरे हमने कहा था कि आपको एक फ्रिज लाना है, ये लकड़ी का फ्रिज लेकर मैं क्या करूंगी? आपको तो मेरी बात भी समझ नहीं आती। तभी जादुई फ्रिज बोल पड़ता है, ओए सुनिए, मैं कोई मामूली फ्रिज नहीं हूँ, मैं तो एक जादुई फ्रिज हूँ, क्योंकि मैं जादुई लकड़ियों से बना हूँ। फ्रिज को बात करते हुए देख मैडी भी हैरान रह जाती है। अरे ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, तुम मुझे कुछ समझाओगे? मिथुन जादुई पेड़ की पूरी कहानी मैडी को बताता है, जिसके बाद जादुई फ्रिज कहता है, ओए सोनिए, डरती क्यों है, मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। अरे सबसे बड़ी बात तो जो भी तू मेरे फ्रिज में रखेगी वो सब 10 गुना बढ़ जाएगा। अच्छा ऐसी बात है, तो रुको मैं तुम्हारे अंदर कुछ पैसे रखती हूँ और उसके बाद देखूंगी कि वह 10 गुना बढ़ेंगे या नहीं। मैडी ऐसा कहने के बाद फ्रिज के अंदर कुछ पैसे रख देती है और कुछ देर बाद फ्रिज खोलकर देखती है तो वो सारे पैसे 10 गुना बढ़ जाते हैं, जिसे देखते ही मैडी हैरान रह जाती है। अरे बाप रे बाप, ये क्या, ये तो सच में जादुई फ्रिज है, यकीन नहीं होता। सोनिए अब तो मेरे ऊपर यकीन कर ले, अब तो मान ले कि मैं एक जादुई फ्रिज हूँ। जादुई फ्रिज की बात सुनकर मैडी हंसने लगती है, जिसके बाद वो दोनों इसके बारे में अपनी माँ पार्वती को बताते हैं। ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है। अरे मेडी बहू, जब से तू घर में आई है हमारे तो भाग्य खुल गए हैं। उस दिन के बाद से उन्हें जब भी पैसों की जरूरत पड़ती तो वो जादुई फ्रिज के अंदर पैसे रखते, जिसके बाद वो सारे पैसे 10 गुना बढ़ जाते। धीरे धीरे उनकी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वो सभी गरीब से अमीर हो जाते हैं, जिसके बाद पार्वती बहुत खुश होती है और वो गाँव वाली औरतों के मुँह बंद हो जाते हैं।